हेलो एवरीवन, दिस इज उमेश फ्रॉम एमएस फिल्म। कैसे हैं आप सब लोग? आज की इस वीडियो में हम स्केच टेक्स्ट बनाना सीखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंपोजिशन बना लेंगे। कंपोजिशन बनाने के लिए यहाँ से कंपोजिशन में है और न्यू कंपोजिशन करते हैं, या इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एन। इसको हम नाम दे देंगे स्केच अंडरस्कोर टेक्स्ट 1920x1080 विड एंड हाइट रखेंगे, फ्रेम रेट 30 रखेंगे और ड्यूरेशन इसका हम रखेंगे 10 सेकंड। उसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद सबसे पहले हम इसका टेक्स्ट ले लेंगे। टेक्स्ट के लिए आपको यहाँ से टी सेलेक्ट करेंगे तो टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल टी, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट ले लेंगे आई वुड से बैल। ओके, टेक्स्ट लिखने के बाद इसको हम सेंटर अलाइन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ बड़ी समझने की है, यहाँ पे आपका टेक्स्ट बिल्कुल फाइनल होना चाहिए, क्योंकि इसके अगला जो स्टेप है उसमें हम टेक्स्ट को चेंज नहीं कर सकेंगे। तो इसमें आपके टेक्स्ट का साइज़, इसकी ट्रैकिंग वगैरह, इसका फॉन्ट, जो भी कुछ है वो आप यहाँ पे फाइनलाइज़ कर लें। उसके बाद हम इसके नेक्स्ट स्टेप पर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम टेक्स्ट की लेयर पर राइट क्लिक करेंगे और इसको क्रिएट शेप फ्रॉम टेक्स्ट कर देंगे। हम जैसे ही क्रिएट शेप फ्रॉम टेक्स्ट करेंगे तो इसमें एक शेप लेयर बन जाएगी और इसकी टेक्स्ट लेयर हाइड हो जाएगी। तो उसके बाद हम शेप लेयर में जाएंगे और हम जाके इसके कंटेंट में आते हैं तो देखें सारे जो लेटर्स हैं वो अलग अलग आ गए हमारे पास। इनको ओपन करके हम देखें तो इन सब की हमारे पास पाथ प्रॉपर्टी भी आ गई। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम यहाँ सर्च बॉक्स में लिखेंगे पाथ। पाथ लिखने के बाद ये जितने इसके पाथ हैं इन सब पे हम की फ्रेम लगा लेंगे। की फ्रेम लगाने के बाद इन सारे की फ्रेम को हम सेलेक्ट करेंगे और इसको आगे ले जाएंगे तकरीबन 20 फ्रेम पर। यहाँ से मैन्युअली देख लेते हैं। इसकी ये वजह है कि ये हमारी फाइनल पोजीशन है और हम इसके पीछे के की फ्रेम्स को एनिमेट करेंगे। अच्छा, जब हमने क्रिएट शेप फ्रॉम टेक्स्ट किया था तो इसमें ये पॉइंट्स बना दिए थे। हम इन पॉइंट्स को सेलेक्ट करने के लिए अपने कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे। जी प्रेस करके किसी भी एक पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद वापस अपने कीबोर्ड से वी प्रेस करेंगे ताकि हम इन पॉइंट्स को सेलेक्ट कर सकें, लाइक दिस। इसके बाद अब हम इसकी एनिमेशन की तरफ चलेंगे। एनिमेशन करने के लिए हम इसके सबसे पहले वेरी फर्स्ट की फ्रेम पर आएंगे और इन सब लेटर्स को सेलेक्ट करेंगे और हम इसको शिफ्ट के साथ ड्रैग करके यहाँ ले आएंगे। उसके बाद हम कीबोर्ड से जी दबा के इसका एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद वापस कीबोर्ड से वी प्रेस करेंगे ताकि हम इसके पॉइंट्स को सेलेक्ट कर सकें, और सेलेक्ट करके हम इसको इस तरह सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से शिफ्ट पकड़ के तरह ड्रैग कर लेंगे। देखिए, हमने जैसे ही ड्रैग किया यहाँ पे इसका की फ्रेम ऐड हो गया। इसी तरह हम सबके साथ करेंगे, ये दूसरे एल को भी कर हम इसी तरह स्ट्रेच कर लेंगे। इसमें अगर ये ओवरलैप हो रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये हमारी मेन स्क्रीन से बाहर है। इसी तरह हम इसके ई को भी सेलेक्ट करेंगे और इसको ई को भी इसी तरह स्ट्रेच कर लेंगे, और इसका जो बी लेटर है बी लेटर के भी ये पॉइंट्स को सेलेक्ट करके हम इसको इस तरह स्ट्रेच कर लेंगे। स्ट्रेच करने के बाद अब हम देखते हैं हमारे पास ये क्या एनिमेशन बने। अब स्ट्रेच करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ये क्या एनिमेशन बनी। हम इसको फिर आपको 100% करेंगे और यहाँ से आके प्ले करेंगे। राइट, ठीक है, ये एक बेसिक एनिमेशन बनी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ओवरलैप हो रहे हैं तो बहुत अजीब सी लग रही है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके की फ्रेम को सेलेक्ट करके फिर राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंट में आके इजी ईज कर लेंगे। उसके बाद वापस हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, की फ्रेम वेलोसिटी करेंगे और इसकी इन्फ्लुएंस स्पीड हम कर देंगे 75। अब इसको हम प्ले करके देखते हैं। देखिए, अब ये थोड़ा सी मज़ीद इम्पैक्टफुल एनिमेशन बन गई, लेकिन इसमें एक इशू ये है कि ये अभी भी लेटर्स ओवरलैप हो रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इनके की फ्रेम को एडजस्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो हम इसके ई और एल लेटर्स को थोड़ा सा आगे मूव कर लेंगे। इसी तरह इसके दोनों एल लेटर्स को भी थोड़ा सा आगे मूव कर लेंगे ताकि ये ओवरलैप ना हो सके। अब देखते हैं, ये देखें, अब ये बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं हो रहे और एक बहुत इम्पैक्टफुल सी एनिमेशन आ रही है।
अच्छा यहाँ मैं आपको एक चीज़ मेंशन करता चलूँ कि जब हम क्रिएट शेप फॉर्म टेक्स्ट करते हैं तो इसमें जो लेटर्स होते हैं, कुछ लेटर्स में एक ही पार्ट बनता है, कुछ लेटर्स में एक से ज़्यादा पार्ट बनते हैं। जैसे देखें इसमें बी लेटर में तीन पार्ट बने, किसी में दो भी बन जाते हैं, किसी में तीन, किसी में चार, किसी में एक ही। तो वो जितने पार्ट होंगे आपको उन सबको सेलेक्ट करके फिर उनको एनिमेट करना पड़ेगा। सो नाउ हियर इज योर स्ट्रेच एनिमेशन। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ये मैंने जो आपको बताया ये बेसिकली एक एग्जांपल है। आप इसी तरह और बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के एनिमेशन बना सकते हैं, इसमें वैरायटी लेकर आ सकते हैं। इसके फिल को बंद करके आप इसके स्ट्रोक के ऊपर भी एनिमेशन बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।